तो जल्दी से लेते हैं अपनी कार की टेस्ट ड्राइव। ये किया मैंने स्विच ऑन, और स्विच ऑन करने के साथ ही कार ने भागना शुरू कर दिया है। ये देखिए दोस्तों कितनी तेज़ भाग रही है। कार को बनाना काफ़ी सिंपल है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैंने इस कार को कैसे बनाया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। 50 mm की PVC पाइप को कुछ इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा टेक्सचर बना दिया है जिससे देखने में बिल्कुल टायर जैसे लग रहे हैं ये। इस तरीके की DC मोटर मैंने ले ली है, ये 10-15 रुपए की आपको आराम से मिल जाएंगी। बड़ी वाली मैं हटा देता हूँ, छोटी वाली का यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ी फ्लैट है तो आराम से चिपक जाएगी। पावर देने के लिए ये मैंने 3.7 वोल्ट की बैटरी ले ली है। एक इस तरीके का स्विच ले लिया है, आप कोई सा भी स्विच यूज़ कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए मेरे पास में दोस्तों ये एक पावर बैंक मॉड्यूल पड़ा था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। ख़राब से पेन को इस तरीके से कट कर लिया है। कार का बेस भी मैंने बना लिया है PVC पाइप से, उसके ऊपर मार्क कर लिया है कहाँ हमको मोटर लगाना है और कहाँ पेन लगाना है। साइकिल की तीली ले ली है मैंने जिससे हम टायर्स की शाफ्ट बनाने वाले हैं। तो अब हमको सबसे पहले टायर्स बनाना है। टायर्स बनाने के लिए दोस्तों ये जो गोल सा पीस है इसको इसके अंदर डालना है और फेविक्विक से चिपका देना है। तो मैं जल्दी से चारों टायर्स बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। यार मैं चाहता तो टायर्स को अमेजोन से खरीद सकता था, लेकिन जो अपने बनाए हुए सामान का मजा है ना वो खरीदे हुए का नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैं बना रहा हूँ। काफी सिंपल है, आप भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने चारों टायर्स बना लिए हैं। फेविक्विक से आपको अच्छे से चिपका देना है, ये ना सोचे कहीं टूट जाएगा या छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। फेविक्विक बहुत अच्छे से इस PVC पाइप को चिपका देती है। टायर बनाने के बाद अब मोटर लगा लेते हैं। तो ये बेस जो मैंने बनाया था इसको ले लिया है और इसके ऊपर जल्दी से मैं मोटर को लगा लेता हूँ। तो दोस्तों चिपकाने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास ग्लूगन ना हो तो डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से मैं दोनों मोटर लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों दोनों मोटर अपनी अच्छे से चिपक के तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो आगे आप मार्क देख रहे हैं यहाँ पे मैं पेन चिपका लेता हूँ, पेन भी मैंने चिपका लिया है दोस्तों। अब जल्दी से इसके टायर लगा लेते हैं। तो टायर को कुछ इस तरीके से मोटर के अंदर डालना है, ये देखिए मैंने थोड़ा टाइट रखा है ताकि हिले डुले नहीं। टायर लगाने के बाद अब इसके ऊपर फेविक्विक चिपका देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। दोनों साइड में अच्छे से फेविक्विक लगा देना है ताकि चलते टाइम कहीं हमारा टायर निकल ना जाए, दुर्घटना ना हो जाए। फ्रंट साइड के टायर लग के रेडी हो चुके हैं, अब जल्दी से बैक साइड के टायर भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आगे के टायर लगाए थे उसी तरीके से पीछे के टायर भी लगा लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी टायर लगा लेता हूँ। यार सिर्फ फेविक्विक से ही मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने टायर्स के ऊपर ग्लूगन से ग्लू को भी अच्छे से चिपका दिया है। मैं नहीं चाहता कि चलते टाइम मेरी कार का टायर निकल जाए। कार के सेंटर में बैटरी को चिपका लेना है, तो मैं बैटरी लगा लेता हूँ जल्दी से। स्विच लगाने के लिए मोटर से अच्छी जगह मुझे कोई नहीं मिली तो मैंने स्विच को मोटर के ऊपर ही चिपका दिया है। चार्जिंग मॉड्यूल को भी चिपका लेना है तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ दोस्तों। अब चिपकने वाले अपने सारे काम हो चुके हैं, बारी आती है इनके कनेक्शन करने की, तो मैं जल्दी जल्दी कनेक्शन भी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको इन दोनों मोटर को आपस में जोड़ लेना है। दो वायर लेके इस तरीके से मैंने मोटर को जोड़ लिया है, ये देखिए। अब बैटरी के एक वायर को स्विच के ऊपर सोल्ड करना है और स्विच की दूसरी लेग को मोटर के साथ में सोल्ड कर देना है। ये देखिए बैटरी का जो दूसरा वायर बचा उसको मोटर के ऊपर डायरेक्ट सोल्ड कर देना है। दोस्तों कनेक्शन काफी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कनेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन गलती से एक मिस्टेक हो गई। मुझे इस कार को आगे ले जाना था लेकिन ये पीछे जा रही है। तो सिंपल है दोस्तों, बैटरी का जहां हमने नेगेटिव लगाया है वहां हमको बैटरी का पॉजिटिव लगा देना है, और जहां पॉजिटिव लगाया है वहां नेगेटिव लगा लेना है। तो मैं जल्दी से कनेक्शन को चेंज कर लेता हूं, उसके बाद में हमारी कार सीधी चलने लग जाएगी। तो कनेक्शन को मैंने चेंज कर लिया है, अब अपनी कार आगे की साइड चलेगी। तो ये देखिए दोस्तों
बिल्कुल अपनी कार आगे साइड ही जा रही है। मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन को भी बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में सोल्ड कर दिया है। मुझे लगा नहीं दोस्तों इसको दिखाने की जरूरत है, काफी सिंपल कनेक्शन थे तो मैंने कर लिए। लेकिन यार अभी थोड़ी कमी लग रही है तो मैं वो भी पूरी कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ LED की कमी थी, मैंने एक RGB LED भी लगा दी है ताकि जब हमारी कार चले तो काफी अच्छी दिखाई दे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक पूरी देखी है इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।